Hi friends, welcome back to my channel Vidhi Logical, and I am Vidhi, back with another video. And this time I'm gonna come up with the interesting product. And ये वाला जो product है मैंने पहली बार Amazon Great Indian Festival sale में order किया है. तो आगे आपको पता चला गया ये वाला कौन सा product मैंने order दिया है. तो उधर wasting time, let's get started to the main video itself. तो ये वाला प्रोडक्ट जो है मैंने वन प्लस सिक्स ऑर्डर किया है. तो फॉर माई मेन पर्पज फोन इटसेल्फ. सो ये वाला आपको वैल्यू फॉर मनी अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए मैं आगे आगे बताऊंगा. सो मैं उधर वेस्टिंग टाइम, लेट्स जस्ट कार्ड दिस पैकेजिंग इटसेल्फ. सो अभी इसका प्राइस जो है 30,000 हुआ है. मैंने बेस वेरियंट ऑर्डर किया है फॉर द 6 GB रैम एंड 64 GB वर्जन. सो मुझको ये वाला आज ही डिलीवरी हुआ है. वन प्लस जो है इतना प्रीमियम फ़ोन अभी मार्केट में लाता है, जैसे मान लीजिए सैमसंग या एप्पल को भी इन लोगों ने पीछे छोड़ दिया है. एप्पल इतना वन प्लस इतना फास्ट काम है, आप लोग देख सकते हैं. मैंने 30,000 से ये वाला ऑर्डर किया है. सो दो दो दिन मुझको आया है. सो ओके, तो पैकेजिंग जो है पहली बार मैं किसी वन प्लस सिक्स वन प्लस ब्रांडिंग का फ़ोन यूज़ करने वाला हूँ. सो ऐसे वन प्लस सिक्स यहाँ पर लिखा आता है. सो अगर आपको पता चले गया हाँ यहाँ पर थोड़ा बहुत शेडेड है. तो पैकेजिंग ऐसे मैंने मिरर एंड ब्लैक ऑर्डर किया है, 6 GB रैम 64 GB वर्जन. सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत सिंपल सा पैकेजिंग है, कोई इतना फैसिनेशन नहीं है. सो जस्ट कार्ड दिस पैकेज एंड लेट्स गेट टू द मोड. मैं मेरा पोको एफोन भी है ये वाला, तो पोको एफोन के साथ ये वाला मैं कंपैरिजन करूँगा. तो इतना सेम टू सेम काइंड ऑफ प्रोसेसर एंड सेम टू सेम काइंड ऑफ रैम मैनेजमेंट दिया हुआ है. तो इसका जो सेम काइंड ऑफ प्रोसेसर, सेम काइंड ऑफ रैम एंड सेम काइंड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, सिर्फ कैमरा को छोड़कर सब कुछ सेम दिया है वन प्लस सिक्स और पोको एफोन में. इसका प्राइस भी कम है पर पोको एफोन का इससे करीब करीब 14,000, लेकिन अभी जो है 9,000 कम है. सो ये वाला ओपन है, पता नहीं है सील, तो कुछ सील दिया हुआ नहीं है शायद. तो देखते हैं वाला रिफर्बिश मॉडल तो नहीं है, मैंने नया वाला ऑर्डर दिया था. सो वन प्लस सिक्स ओके. सो टैन टैन एन सो वो पैकेज जो मैंने ओपन कर लिया. सो फोन जो है देखने में टॉप क्लास, एंड इसका जो वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन आता है बहुत ही खास है, क्या बताए. ओफ लुक्स. सो इसको थोड़ा बहुत साइड करके रखते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या मिल जाएगा मैं उसको बॉक्स के अंदर में. तो वो देखा केस जो है वो अच्छा दिया हुआ है, तो इसके अंदर में शायद ये वाला ओपन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वाला ओपनिंग ओपन नहीं हो रहा है. ओके, सो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैनुअल्स या कवर्स आ जाएगा. सो बैक कवर में थोड़ा बहुत ओके. तो पैकेजिंग बहुत ही स्टाइलिश है और प्रिसाइजली पैकेजिंग किया हुआ है, तो ये वाला शायद ओपन होता तो अच्छा होता. तो थोड़ा बहुत साइड में देखेंगे वाला ओपन होता है कि नहीं होता. थोड़ा बहुत चार्जर भी मिल जाएगा, ये वाला जो है डैश चार्जर. ओके, थोड़ा बहुत इसका रेटिंग जो आपको दिखा देता हूँ. सो ओके, सो यह इसका रेटिंग जो है 4 एम्पियर चार्जर है, तो फास्ट चार्जर, लेकिन इतना अभी फास्ट नहीं है मोटोरोला का. तो ओके, मैं वो साइड कर. इसका कलर जो है बहुत ही कॉम्बिनेशन बहुत ही खास है, वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है. अगर रेड एंड ब्लैक का होता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता थोड़ा बहुत. ओके, तो ये वो मैनुअल समथिंग दिया हुआ है, एंड सिमेंटेड टूल भी इसके अंदर ही शायद मिल जाएगा. सीमेंटेड टूल है, मैनुअल तो मैं साइड करके रख देता हूँ. तो ओके, कवर जो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, एंड पोको एफोन के साथ भी सेम टू सेम काइंड ऑफ कवर मिला है मुझको ब्लैक एंड वाला. सो ओके, सो बोला कवर के यहाँ पर थोड़ा बहुत स्क्रैचेस पड़ा है, पता नहीं बोला नया है या पुराना है, लेकिन कवर के अंदर में थोड़ा बहुत स्क्रैचेस या फिर डर्ट प्रेजेंट है. तो ओके, सो उधर वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द मेन फोन इटसेल्फ. सो ओके, तो मैं साइड कर लेते हैं, थोड़ा बहुत फास्ट बूटअप कर लेते हैं, बोला फिट अप होता है कि नहीं होता. ओके, थोड़ा बहुत ओपन कर लेते हैं वाला. ओके, सो आप लोग देख पाएंगे कितना अच्छा लुक्स है फ़ोन का. इसका कैमरा जो सोनी का सेंसर दिया हुआ है, तो मैं फास्ट बूटअप करूँ, उसके बाद जो आपका जो फिजिकल वर्ल्ड व्यू एंड स्टेशन है बता दूंगा. तो ओके, जब तक ये बूटअप होता है, तो ये वाला जो स्क्रीन है 6.28 इंच का डिस्प्ले है, एंड आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा इसके अंदर में. एंड पीपीआई जो है 402 है, एंड आपको फ्रंट में 60 MP का सोनी का सेंसर मिल जाएगा, 371 सेंसर. एंड राइट हैंड साइड पे जो है वॉल्यूम बटन, पावर बटन, एंड ये वाला सिम एक्टर पिन या फिर शायद कुछ अप एंड डाउन बटन होगा. सो ओके, तो फ्रंट में टॉप ऑफ द फोन आपको सेकेंड नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है, एंड लेफ्ट साइड में वॉल्यूम बटन मिल जाएगा. तो सिमेक्टेड पिन यहाँ पर मिल जाएगा आपको इसके अंदर में. तो बॉटम ऑफ द फोन आपको चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर एंड हेडफोन जैक मिल जाता है, तो बोला अच्छा है. 16 में वाला शायद होगा कि नहीं होगा पता नहीं है. तो ओके, तो बैक साइड पर आपको डुअल कैमरा मिल जाएगा, एक जो मेन सेंसर 60 MP सोनी 519 एंड
another secondary sensor is the Sony 373 sensor and the dual flash and the fingerprint sensor को ये मिल जाएगा तो फोन का लुक जो बहुत ही अच्छा है तो थोड़ा बहुत मैं इसका जो सेटअप कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पर जो प्री इंस्टॉल जो है वो पर आपको डिस्प्ले स्क्रीन मिल जाता है एंड थोड़ा बहुत डेंट है कि नहीं है पता नहीं है बोला नया है या पुराना है थोड़ा बहुत ओके ओके जब तक ये वाला फुटअप होता है तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर ओपर इंसर्ट करके दिखा तो ये वाला आपको फिटिंग होता है कि नहीं होता कितना लुक्स अच्छा देता है ओके ओके सो लेट्स ट्राई द फेस अनलॉक सो फेस अनलॉक पैटर्न एंड तो देख रहे हैं कवर कितना अच्छे से फिटिंग हुआ है लेकिन कवर जो है इतना डार्ट है या फिर यूज हुआ है पता नहीं है ये वाला कवर जो है नया जैसा नहीं लग रहा है वन प्लस आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर कितना सा स्क्रैचेस या समथिंग पड़ा हुआ है इसके अंदर में बहुत सारे स्क्रैचेस सो ये वाला डाउट इन द माइंड जो फोन नया है कि पुराना है एंड कवर जो है तो सही में पुराना कवर लग रहा है मुझको लेकिन ऑफर में अगर अमेजोन ने ऐसा ऐसा प्रोडक्ट सेंड किया है तो बहुत ही गलत है इसका जो फ़ोन के अंदर में आपको स्नैपड्रैगन 845 का वो ऐसा मिल जाए ऑक्टाकोर वाला एंड एड्रीनो आपको जो है जीपीयू वाला ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट 630 मिल जाएगा इसका जो बेसिक वेरिएंट है 6GB रैम है 64GB इनबिल्ट आपको 8GB रैम एंड 120GB तक भी मिले उसका प्राइस ज़्यादा है एंड इसमें कोई हाइब्रिड स्लॉट नहीं है ये वाला गलत है अगर डुअल सिम है लेकिन अगर हाइब्रिड स्लॉट दे दे तो अच्छा इतना प्राइस है तो पता नहीं क्या है डस्ट प्रूफ है इसके लिए लेकिन उसका कोई रेटिंग भी नहीं है डस्ट प्रूफ है कि वाटर प्रूफ है रेजिस्टेंट है तो ये वाला पता नहीं कितना सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो फोन का जो लुक्स है पूरा सेम टू सेम जैसे मान लीजिए पोको ए फोन की तरह ही है ओके तो आप लोग देख पाएंगे कितना पोको ए फोन की तरह ही है सेम टू सेम काइंड ऑफ तो इसका अगर वीडियो चाहिए कंपैरिजन में आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कैमरा कंपैरिजन परफॉर्मेंस कंपैरिजन ऑल जो कंपैरिजन हो सकता है कोशिश करेंगे ये सब कंपेयर करने के लिए सो ओके बहुत वक्त लग रहा है सेटिंग होने में लेकिन कवर जो है उतना खास नहीं है पता नहीं नया कवर है लेकिन उसके अंदर में ऐसा ऐसा क्यों है यहाँ पर डिज़ाइन बाई वन प्लस सब कुछ ठीक ठाक लुक भी बहुत ही खास है थोड़ा बहुत कवर में हटा कर देता हूँ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो आप लोग को कैसा लग रहा है फोन नया है पुराना है तो मुझे तो कोई कुछ डाउट लग रहा है फ़ोन नया है या पुराना वाला है मैंने तो नया जैसे ही पूरा फ़ोन का प्राइस दिया है कवर तो मुझको पुराना ही लग रहा है थोड़ा बहुत सारा डर्ट है इसमें बहुत फिंगरप्रिंट भी है तो मैग्नेट की तरह चिपक गया है जिसने यूज़ किया है पैकेजिंग किया है पता नहीं इसका जो कवरिंग है उसमें कोई स्टिकर मारा हुआ नहीं है तो ओके सो ओके जो फ़ोन जो बूटअप हो गया बहुत वक्त के बाद जो है फ़ोन बूटअप हुआ है सो आप लोग देख पाएंगे कितना मैंने पहली बार जो वन प्लस जो साइनोन जेन ओएस जो होता है वो यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोग देख पाएंगे कितना फ़ोन का सुपर स्मूथ जो टच है ओके सो ओके गो टू द समथिंग्स ऑन एंड आपको यहाँ पर जो है नॉर्मल सा जो आ जाता है ओके सो ब्लूटूथ भी बंद कर देते हैं थोड़ा बहुत करके एंड मुझको अपडेट मिल गया है थोड़ा बहुत करके अपडेट जो है सो इसका जो 1.5GB का अपडेट होने वाला है तो वो वाला जो डाउनलोड होने की होल्ड होने दीजिए तो थोड़ा बहुत करके मैं इसका सेटिंग्स में चला जाता हूँ वो सेटिंग्स के अंदर में कितना GB फिर मिल जाएगा इसके अंदर में ओके अबाउट फ़ोन इटसेल्फ तो फ़ोन का नाम जो वन प्लस 6 है लीगल इन्फॉर्मेशन एंड ऑक्सन जो वर्जन अभी 5.1 एंड रैम जो है 6GB मैंने ऑर्डर किया है स्टोरेज है 64GB वाला सो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अभी मे मंथ का है तो अभी उसका शायद अपडेट वर्जन मिलेगा मुझको एंड ऑथेंटिकेट समथिंग एंड जो आता है स्टोरेज ओके सो मुझको जो है आउट ऑफ 64GB मैंने जो है 53.21GB जो मुझको अवेलेबल मिलेगा सो आप लोग देख पाएंगे कितना GB है 1.84GB तो यूज़ हुआ है सो ओके तो स्टोरेज के अंदर में कुछ है कि नहीं है शायद तो कुछ भी नहीं है जो ऐप्स थोड़ा बहुत ऐप्स जो है इनबिल्ट वाला तो देख लेते हैं कितना ऐप जो है वो सब नॉर्मल से जो ऐप्स होता है तो ओके सो गो टू द कैमरा जब मेन यूज़ पे ऑफ दिस फोन कैमरा जिसके लिए मैंने वाला फ़ोन ख़रीदा है तो मेरा जो पोको ए फोन है उसका भी सोनी का सेंसर है 363 उससे भी अच्छा पोको वन प्लस का कैमरा है तो आप लोग देख पाएंगे कितना इंटरफेस कितना अच्छा है यहाँ पर तो जो मैं थोड़ा बहुत पिक्स ले लेते इसका कितना शटर स्पीड अच्छा है ओके आई जस्ट टेक अप शॉट्स
ओके शटर स्पीड बहुत ही अच्छा है, पोको ए फोन की तरह ही है। ओके थोड़ा बहुत मैं मैक्रो शॉट भी ले लेता हूँ उसका। ओके थोड़ा पोर्ट्रेट शॉट, पोर्ट्रेट डेप्थ ब्लर इटसेल्फ, सो डेप्थ ब्लर जो है बहुत ही अच्छा है एंड बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा बहुत ही ब्लर कर दे रहा है। ओके ओके सो इसका फ्रंट कैमरा में चले जाते हैं, फ्रंट कैमरा कितना अच्छा है, फ्रंट कैमरा जो आपको 60 मेगापिक्सल मिलेगा। ये भी वाला भी पोर्ट्रेट शॉट है, पहली बार मैं देख रहा हूँ। कैमरा जो बहुत ही अच्छा है, मुझको बहुत ही अच्छा लगा कैमरा। सो ओके सो नॉर्मल से एक पिक्चर ले लेते हैं फ्रंट कैमरा के अंदर में। सो ओके सो ओके सो ये जो सेंसर जो है सोनी का सेंसर दिया है 37, तो आप लोग देख पाए कितना कैमरा क्लियर है। तो मेरा जो बियर्ड है तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, मुझको नहीं, कैमरा सैंपल जो है बहुत ही अच्छा है। तो ओके ये वाला जो पोर्ट्रेट शॉट भी आया है बहुत ही अच्छा है, इजेस जो है ठीक तरह से इंटेक्ट हुआ है। ओके ये वाला जो मैंने लिया है तो पोर्ट्रेट शॉट वाला, तो ये वाला बहुत अच्छा है, डिटेक्शन भी अच्छा हुआ है। डिटेक्शन जो आप देख पाएंगे कितना एज जो बहुत अच्छे से डिटेक्शन हुआ है। सो ओके ये वाला भी पिक्चर मैंने लिया है, सो नॉर्मल से वाला। ओके ओके तो पिक्चर जो क्वालिटी जो कैमरा बहुत ही अच्छा लगा मुझको। एंड मैं इसका जो डेप्थ व्यू बनाऊंगा कैमरा का कंपैरिजन ऑफ पोको A1 ऑल्सो, सो मुझको ये वाला डील अच्छा लगा। 30,000 के अंदर में आपको पोको वन प्लस सिक्स मिल जाएगा, तो इसका प्राइस जो 35,000 है, लेकिन वन प्लस सिक्स ही आने वाला है, तो इसके हिसाब से वन प्लस सिक्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो बाद में पता चलेगा। लेकिन बेस डील जो है 150,000, तो अभी तक फ़ोन जो वन प्लस सिक्स सबसे अच्छा है, कोई कैमरा इतना बहुत ही अच्छा है, सोनी का सेंसर भी है, इतना अच्छा सेंसर किसी फोन में अभी तक नहीं दिया हुआ है। तो यही तक था, दिस इज अप टू दिस वीडियो। इफ यू हैव डाउट क्वेरी क्वेश्चन इन दिस वीडियो रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट, यू कैन आस्क मी कमेंट सेक्शन, आई लव टू क्लेरिफाई ऑल ऑफ योर क्वेरीज। सो इफ यू लाइक दिस लाइक द बटन, इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो यू कैन ऑल्सो डिसलाइक द वीडियो, प्लीज मेक श्योर एडवाइस मी टू अप टू प्रूफ। सो दिस अप टू दिस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, प्लीज सब्सक्राइब मी, प्रमोट मी ऑन ऑल फ्रेंड सर्कल, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री।